नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की खस्ता कुरकुरी क्रिस्पी पनीर की जलेबी ये बिल्कुल भी नरम नहीं होगी। यहाँ सारे हलवाई टिप्स ट्रिक शेयर करूंगी, वीडियो आखिर तक देखिएगा जब पता चलेगा कैसे बनती है। और यहाँ मैंने बिल्कुल हलवाई स्पेशल रेसिपी दिखाई है दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिया है। अब यहाँ आधा टीस्पून यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर डाल दूंगी खाने वाला। यहाँ 2 पिंच यहाँ मैं खाने का सोडा डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम दूध डालेंगे इसमें। इसे 3-4 मिनट हमें अच्छी तरह से मसल लेना है। यहाँ मैंने इसको मसल लिया 2-3 मिनट। अब यहाँ मैंने यहाँ 70 ग्राम मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। थोड़ी थोड़ी मैदा डालते हुए इसे हमें मसल लेना है इसे। और साथ में ही मैं यहाँ पे अरारोट लिया है, ये भी 70 ग्राम है, इसे भी हमें डाल देना है। अब दूध डाल के इसे हमें डो की तरह गूंथ लेना है, कांटे की तरह। डो को मैंने तैयार कर लिया है। और यहाँ मैंने 1 चम्मच दूध और लिया है यहाँ पे। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा कलर डाली हूँ, क्योंकि ये हम बिल्कुल बाजार जैसे हमें दिखाना है इसलिए डालें। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप बिल्कुल भी कलर नहीं डालिएगा, क्योंकि कलर नुकसान करता है। तो ये मेरे को दिखाना पड़ रहा है इसलिए डाल रही हूँ। तो दूध में थोड़ा सा घोलने से इसमें अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो जाएगा। तो इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी इसमें डाल के। डो हमारा तैयार हो चुका है। इसमें मैंने 125 ग्राम दूध डाला है। अब मैंने यहाँ पे एक कोन लिया है, यहाँ पे मैंने, और एक स्टार वाला ये लिया है, ये केक के लिए आता है या बाजार से वैसे भी खरीद सकते हैं। इसको मुझे इसमें डाल देना है। अब लगा के मुझे सारा डो इसमें भर देना है। यहाँ मैंने पाइपिंग वैन में सारा बैटर भर लिया। इसे आप रबड़ से बिल्कुल सील कर सकते हैं इस तरह से। और मैं आपको निकालने का तरीका बता देती हूँ। जैसे कि हमें जलेबी बनानी है इमरती, तो इसको बस इस तरह से हमें घुमाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और धीरे 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 से हमें राउंड राउंड घुमाते जाना है। और ऐसे ही हमें तेल में बनाना है। आप देख रहे होंगे, आप बड़ी छोटी अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि मुझे छोटी बड़ी दोनों तरह से पसंद है, तो मैंने दोनों बनाई है। और इसको ला के बीच में हमें छोड़ना है, क्योंकि बीच में इसलिए छोड़ना है, कई बार हमारी जलेबियाँ खराब हो जाती हैं। तो इस तरह से हमें ये तैयार कर लेना है। यहाँ पे बिल्कुल भी देख रहे होंगे घी बिल्कुल गर्म नहीं है। इस तरह से जलेबी को निकालना है। और आपको बैटर अगर गाढ़ा पतला लगता है तो आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, पतला है तो मैदा मिला सकते हैं, और गाढ़ा है तो आप इसमें पानी मिला सकते हैं, जैसा भी हो इसको आप कर सकते हैं। और ऐसी तरह से घुमाते हुए और बीच में हमें छोड़ देनी है। एक चक्कू की सहायता से भी काट सकते हैं आप इस तरह से। इस तरह से हमें सारी जलेबी बना लेनी है। यहाँ मेरे पास पहले की चाशनी रखी है, मैं इसी को यूज कर रही हूँ। आपके पास भी चाशनी रखी हो तो आप पहले की यूज कर सकते हो। इसको बस छान लीजिएगा, कोई भी कूड़ा हो तो इस तरह से पहले का तो निकाल दीजिएगा। अब जब भी आप चाशनी को रखें, फ्रिज में रखा करिए, चाशनी बाहर रहती है तो खराब हो जाती है। तो इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। और चाशनी वही हमारी शहद की तरह बिल्कुल गाढ़ी है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें मैंने कलर मिक्स कर रखा है, आप चाहें तो कलर नहीं मिलाइएगा। अब इसको मैं हल्का सा गुनगुनी कर ले रही हूँ। जलेबी को पलट लूंगी, आप देख रहे होंगे मैं किस तरह से सावधानी से पलट रही हूँ। वैसे टूटती नहीं है, फिर भी आप लोग ध्यान से इस तरह से करेंगे आपकी जलेबियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर, बिल्कुल बाजार जैसे ही कलर आया है, पर हमने कलर डालना पड़ा है थोड़ा सा। इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक बस मीडियम आंच पे ही सेकना है, तेज बिल्कुल नहीं करनी है। मैं आपको पहचान बता देती हूँ, जलेबी हमारी इस तरह की गोल्डन ब्राउन हो जानी चाहिए। अगर इस तरह की कोई कच्ची जलेबी हो तो इसको बिल्कुल भी नहीं आप चाशनी में डालिएगा, नहीं तो नरम रहेंगी। अब मैंने आपको पहचान बता दी है। इस तरह से हमें दोनों तरफ से ही गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। सेकने के बाद ये आप देख सकते हैं, इसमें आवाज सुनाई दे रही होगी, इस तरह की क्रिस्पी होनी चाहिए। मैं आप देख रहे हो कि चिमटा मार रही हूँ, नरम होती थी टूट जाती, सॉफ्ट होती तो बिल्कुल क्रिस्पी है, तो नहीं टूट रही है। तो ये हमारी जलेबियाँ सिक चुकी है। अब यहाँ मैं जलेबियों को उतार लूंगी। और मैंने आपको बार बार आवाज सुना दी है कितनी क्रिस्पी हो चुकी है ये। मैंने यहाँ पे जो चाशनी बताई थी आपको, बिल्कुल गाढ़ी जो शहद वाली चाशनी है, आपके पास बच्ची हो तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक बड़ी कटोरी चीनी लीजिएगा तो एक कटोरी पानी। तो इस तरह से आप चाशनी तैयार कर सकते हैं। और इसे आप बड़े बर्तन में रखेंगे तो चाशनी थोड़ी सी में यूज हो जाएगा। और एक छन्नी जरूर लीजिएगा और एक प्लेट। जब तक आपकी छन्नी में से बिल्कुल इस तरह से चाशनी निकल नहीं जाए जैसे ये आप प्लेट में देख रहे हैं, और जब ठंडी हो जाए तब तक आपको इस छन्नी में पड़ी रहने देना है। अब मैं चाशनी में जलेबियाँ डाल रही हूँ, गैस से हम उतारते जाएंगे। ये मेरी सीख रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। आप देख रहे होंगे दोनों चीजें, आप देखिएगा नहीं तो आपको कन्फ्यूजन रहती है। तो आप देख रहे होंगे ये चाशनी हमारी गुनगुनी है, और गरम गरम जलेबियाँ हमें इसमें डालनी है। आपको मैं बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, हमें एक्स्ट्रा घी जरूर झाड़ लेना है, नहीं तो ज्यादा घी होगा तो चाशनी हमारी बेकार हो जाएगी इस तरह से जैसे। और इसे हमें 1 मिनट तक पड़े रहने देना है, ज्यादा देर नहीं पड़े रहने देना। मैं एक एक टिप्स दोबारा बता रही हूँ, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे
कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसे हमें डुबो देना है। एक मिनट हो चुका है, जलेबी को निकाल कर हमें छन्नी में रख लेना है। इस तरह से आवाज़ सुन रहे होंगे कितनी क्रिस्पी है अभी भी, और ये 10 से 12 घंटे तक क्या 2 दिन भी आपकी क्रिस्पी रहेगी। दोस्तों पनीर की जलेबी बनकर रेडी हो चुकी है, अब बहुत ही क्रिस्पी भी बनी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। इसको मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है और ये लंबे समय तक बहुत ही क्रिस्पी भी रहती है। कई बार आप लोग सवाल करते हैं, जैसे आपने जलेबी में कहा कि हमारी जलेबी नरम हो गई है, तो मैंने कहा आप क्रिस्पी होने तक सेकिए, नरम उतारेंगे और चाशनी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, तेज गर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपकी जलेबी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप तेज में डालेंगे तो नरम हो जाएगी, लाइट गुनगुनी चाशनी होनी चाहिए जिसमें उंगली डाल सके। तो और आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी जलेबियां बिल्कुल क्रिस्पी है, और मैं आपको आवाज भी इसकी सुनाती हूँ, और ये काफी लंबे टाइम तक ये बिल्कुल ही क्रिस्पी रहती है, और इसको आपको तोड़ने से भी पता चल जाएगा कि कितनी क्रिस्पी है। और आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी है, और अंदर तक चाशनी भर चुकी है, और अंदर आप जालीदार ये देख सकते हैं। मेरा मन नहीं था साबुत जलेबी तोड़ने का दोस्तों, मैंने टुकड़ा हुआ दिखाया इसलिए, और अंदर तक आप देख रहे होंगे रस भरा हुआ है, बिल्कुल जाली जाली सी ऐसे पड़ जाती है। जितनी अच्छी हमारी जलेबी बनेगी उतनी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सके तो लाल बटन को दबाना ना भूलिएगा, साथ में एक बेल बटन है उसे भी जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली वीडियो आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।